ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभो, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, किसी से हमें प्यार हम करते हैं और शादी करना चाहते हैं, हम उनके साथ जीवन बसर करना चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसके बीच आती है, तो अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। और इसलिए मैंने अकेले में देखने का शीर्षक रखा है कि ये बातों को आप शांति से एक जगह अकेले में बैठकर जो जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ उस पर अपने जीवन में आप उन पर सोचें और उन चीज़ों को बहुत बारीकी से खुद के लिए समझें, शायद ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। दोस्तों, पहली और मुख्य बात होती है कि ज़्यादातर चीज़ों में ये होता है कि प्यार जब कोई करता है तो माता पिता स्वतः ही मान जाते हैं और उनका विवाह हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है और वो एक बहुत सबसे अच्छी कंडीशन है। और मैं तो उन माता पिता को कहता भी हूँ इसी विषय को लेकर कि अगर लड़का अच्छा है और व्यवस्थित है, लड़की भी अच्छी है व्यवस्थित है, मतलब व्यवस्थित होने से सीधे से मतलब है कि वो कोई व्यसन नशा नहीं करता हो, अपना खुद कमाता हो, अपने माता पिता का सम्मान इज्जत करता हो और वो ईमानदारी का खाता हो, अपने तरीके से जीवन जीता है, एक सरल और सहज व्यक्तित्व का धनी हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर तकलीफ यहाँ आती है कि इस युग में जब प्यार का न मिल पाना उसे लोग पचा नहीं पाते हैं, क्योंकि प्यार की उस खुमारी में वो इतने डूबे होते हैं, उन्हें सच्चाई नहीं दिखाई देती है, उन्हें वो खुद की परवाह नहीं करते, उन्हें बहुत सारी चीज़ें, एक ऐसा नशा होता है, एक ऐसा विश्वास का टूट रिश्ता होता है वो, कि जिसमें हम बहुत सी चीज़ों को दरकिनार कर देते हैं। तो पहली और मुख्य बात, हम यहाँ पर आगे बढ़ें थोड़ा सा, उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय का नाम जो भी आपको अच्छा लगे वो ज़रूर लिखें, भोलेनाथ का जो नाम आपको अच्छा लगे वो ज़रूर लिखें। इसके अलावा अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। अक्सर ये प्रश्न मुझसे पूछा जाता है कि पंडित जी, हम जिसे प्यार करते हो हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, किस तरह की सिचुएशन होगी। पहली और मुख्य बात है कि कोई भी प्यार की पूर्णता यह नहीं दर्शाता कि एक दोनों का विवाह होना या शादी होना। प्यार जिस्मों का रिश्ता है ही नहीं, वो आत्माओं का बंधन है, वो सम्मान है, वो इज्जत है और वो एक फ्रीडम है। तो सबसे पहले इस बात को अपने आप में आप क्लियर कर लें ताकि आपकी बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो सकती है। दूसरी बात है कि उनकी भी कुछ मजबूरी है, हमारी भी कुछ मजबूरी है, दोनों को अपनी मजबूरियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण प्यार तभी रहेंगे तब आप इस जीवन को अच्छे से जिएंगे। बहुत से लोग बहुत डिप्रेशन तनाव में चले जाते हैं, बहुत से लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, ये ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर आप वाकई में आप सच्चा प्यार नहीं कर रहे, अगर आप तनाव और डिप्रेशन में जा रहे हैं तो बेसिक सी बात है, आप सच्चा प्यार नहीं कर रहे। अगर सच्चा प्यार करेंगे उसकी खुशी जिसमें हो वो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और हमारी जीवन की पहली प्राथमिकता हमारे माता पिता होना चाहिए, उनके फैसलों का, उनके कर्मों का और वो जो जो हमारे लिए करते हैं उनका हमें इज्जत करना चाहिए। वो सही और गलत हम उस पर नहीं हमें सोचना चाहिए, वो जो कर रहे हैं हमारे लिए भी पॉजिटिव है, सकारात्मक है और हमें उनका पूर्ण सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक ताना बाना जो है इस युग का वो बहुत ही जटिल है। बेशक वो आने वाले समय में बदलेगा और धीरे धीरे बदल भी रहा है, पर अभी जो वर्तमान युग है, जिस युग में हम फिलहाल वर्तमान जी रहे हैं, हमें इन सब चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने माता पिता का सम्मान पूरा करें और माता पिता की जो इच्छा हो उस पर आप आगे बढ़ें, वही अच्छा है और सरल है।